लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई की सिडको निर्मित इमारतें जान का दुश्मन बनने लगी है। सीवूज में हालिया गिरी एक इमारत की छत इसका ताजा उदाहरण है। इन जर्जर इमारतों को ना तो सिडको बना रही है, ना ही इनके रीडेवलपमेंट के लिए शीघ्र परमिशन मिल रही है। ऐसे में रहवासी यहां जान का जोखिम लेकर जीने को मजबूर है। बीजेपी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दत्ता गंगाले ने इसके लिए सिडको को जिम्मेदार ठहराते हुए रीडेवलपमेंट की मांग की है। देखे रिपोर्ट। सीउड इलाके में सिडको द्वारा निर्मित इमारतें रहवासियों के लिए नई मुसीबत बन रही हैं। दो दिनों पहले मानस सरोवर बिल्डिंग की छत गिरने की घटना इसका ताजा सबूत है। गनीमत रही कि हादसे में यहां सिर्फ गाड़ियां टूटी, किसी की जान नहीं गई। रहवासी इसके लिए सिडको और उसके घटिया निर्माण को जिम्मेदार मान रहे हैं। बीजेपी के युवा नेता दत्ता गंगाले ने कहा कि सिडको ने दावा किया था कि उसकी इमारतें 30 सालों तक टिकी रहेंगी, लेकिन दूसरे साल से ही इमारतों की छत और छज्जे गिरने लगे। मानस सरोवर की तरह सीउड में ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग हैं जिनकी दीवारें फटी हैं और छतें गिर रही हैं, जबकि रहवासी हैं कि यहाँ जान का जोखिम लेकर रहने को मजबूर हैं। आप भी सुन लीजिए। जो सिडको की जो वसाहत है, ये जो घर है, ये 98 से सिडको ने यहाँ पे लोगों को पोजीशन दिया। जब से पोजीशन दिया है उससे एक महीने बाद से ये हादसे हो ही रहे। सिडको इसको कह रहे कि अब रीडेवलपमेंट में जाओ, लेकिन जो पहले दिन से ताबा देने के बाद पहले दिन से ये हादसे हो रहे, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सिडको और सिडको है। तो भी सिडको ये बार बार ये इसको दूसरे के कंधे के ऊपर डालती है कि सोसाइटी ने मेंटेनेंस नहीं किया, सोसाइटी ने टाइम पे ये नहीं किया। मतलब ये सोसाइटी मानस सरोवर जो सोसाइटी है, यहाँ तो मरम्मत उन्होंने अपने खर्चे से सोसाइटी का जो बेसिक काम है उन्होंने किया है, तो भी इधर ये ऐसी सिचुएशन है। उसका मुख्य कारण है सिडको ने जो खराब काम किया है। जो पिलर है उस पिलर में से गोनियाँ निकली, तो सिडको की ये गलती है। और सिडको 30 साल का नॉर्म सरक रही है, अब 20 साल में उनकी बिल्डिंगें खराब हो रही है। ये हादसा आज नहीं तो कल होना ही था। फॉर्चुनेट पार्ट आया कि जीवित हानि झाली नहीं। अभी का पोजिशन जो है ना वो हर एक बिल्डिंग का है, और इससे पहले बाहर का हादसा ये दूसरा का तीसरा है। इनका घर का भी सज्जा नीचे गिरा है। तब हम लोगों ने खाली सिडको को इंटीमेट किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। कोई आया नहीं, कोई बनाया नहीं, इन्होंने खुद ने बनाया। तो ह्या कामासाठी नगरसेवक आले, गणेश नाईक साहेब आले, तरी सिडको दखल घेत नाही। हे जर असं जर कंटिन्यू राहिलं ना, तर ही बिल्डिंग आज बघा 1 नंबर 2 नंबर 3 स्लॅब कोसळण्याची कंडिशनमध्ये आहे। मग त्यांनी दखल घेतली पाहिजे ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक किसी की जान नहीं चली जाएगी तब तक सिडको की आँख नहीं खुलेगी क्या? हमारे आँखों के सामने जब ये गिरा तो आप समझिए कि आँख हमारी मतलब खुली की खुली रह गई। नीचे मेरी गाड़ी पार्क थी, वो गाड़ी जस्ट उसके नीचे आ गई। चलिए गाड़ी का तो ठीक है, लेकिन अगर किसी की जान उसके अंदर होती तो क्या सिडको आज उस इंसान को वापस ला पाती? बताना जरूरी है कि मुंबई में 3 लाख से ज्यादा इमारतें सिडको द्वारा निर्मित हैं। इनके लिए कहा गया था कि ये लंबे समय तक टिकी रहेंगी, लेकिन 20 साल के भीतर ही इतनी जर्जर हो गई हैं कि वहां रहना किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसे में रीडेवलपमेंट ही आखिरी विकल्प है, लेकिन सिडको है कि ना तो शीघ्र परमिशन दे रही है और ना ही संपूर्ण रिपेयरिंग ही करवा रही है। अब इसे लेकर युवा नेता दत्ता गंगाले ने सिडको के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवा नेता दत्ता गंगाले ने अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद कहा कि यह सिडको की पूरी जिम्मेदारी है कि वह जर्जर इमारतों का रीडेवलपमेंट खुद कराए और रहवासियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराए। इधर लोगों की मांग है, अगर यहाँ पे रीडेवलपमेंट करना है तो वो सिडको ने करना चाहिए। अभी ये जब तक अभी ये कल बिल्डिंग गिरेगी तो आप रीडेवलपमेंट की फाइल कहाँ घुमाते बैठेंगे? रीडेवलपमेंट होने का और 10 साल जाएंगे, तब तक ये बिल्डिंग इधर रहेगी कि नहीं रहेगी, ये लोगों के मन में सवाल है। और इधर के लोगों के रहने का, उनके जीवन और मरण का इसमें प्रमुख मुद्दा है, और उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिडको को हम आज जो उनके चीफ इंजीनियर है उनको हम आज बता के आए हैं कि आप इसके ऊपर प्रॉपर सॉल्यूशन निकालो। थूक पट्टी और मलम पट्टी का काम ये करके जाएंगे, फिर कोई नया स्लैब गिरने की वो राह देखेंगे, फिर मोर्चा होगा, फिर आंदोलन होगा। इसका 30 साल का बोल रहे ये लोग सिडको वाले, 10 साल में ये पड़झड़ चालू हो गया, तो इसका मतलब भाई जो भी कॉन्ट्रैक्टर था तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। प्रॉपर रिपेयरिंग का जो है ना ये इशू अभी ख़त्म हो गया है। आई मीन टू से कि आप बिल्डिंग का कंडीशन देखोगे ना तो बोलते ना मराठी म्हणतात ना
फाटक्या साडीला ठिळे लावल्यासारखं आहे ते काही उपयोगाचं नाही आहे. तुम्ही रिडेव्हलपमेंट केलं ना ॲट देअर ओन, सिडकोने करना चाहिए, सिडकोने करके देना चाहिए. आणि आता साहेबांनी एक सजेशन दिलं ना, व्हेरी नाईस सजेशन गंगाले साहेबांनी, की मी स्वतः कोर्ट ऑफिसर होतो आणि त्या ह्या बेसवरती जर ते पी आय एल किंवा रिट पिटिशन वगैरे दाखल झाली तर कदाचित ते एक्सपिडिशियसली ते काम होईल. और जब तक इसको हम आगे नहीं ले जाते, एक जन आंदोलन नहीं हो जाता, तब तक मुझे नहीं लगता आगे कोई बात बढ़ेगी. और ये हर इस सोसाइटी में हर फ्लैट का ये हाल है, और ये खाली ये सोसाइटी नहीं, ये सीउड्स परिसर में जितनी सोसाइटी हैं सिडको की, सबका यही हाल है. सिडको को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और इसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है. बीजेपी युवा नेता दत्ता गंगाले ने यह भी चेतावनी दी कि यदि सिडको ने सीउड की जर्जर इमारतों को लेकर शीघ्र फैसला नहीं किया तो वे कोर्ट में याचिका दाखिल कर सिडको के घटिया निर्माण और उसकी नीयत की पोल खोलेंगे. उन्होंने जर्जर इमारतों के रहवासियों से सिडको के साथ किए गए पत्र व्यवहार को भी साझा करने का आह्वान किया. इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने जा रहे हैं. हम आपके माध्यम से सिउड के सभी सिडको के जो वसाहत में रहने वाले लोग हैं, नागरिक हैं, उनको अपील करते हैं कि 98 से अब तक आपने जो सिडको के खिलाफ पत्र व्यवहार किया है, जो लेटरबाजी की है, जो कुछ किया है वो हमें लाकर दे दे. हम जनहित याचिका के रूप में सिडको के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और सिडको को दिखा देंगे कि आपने कैसा भ्रष्टाचार किया है, आपने कैसा खराब काम किया है. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया.